Students, I hope you all are fine, happy and healthy. Today our lecture is climate zone of world. In previous lecture we learned the factor of climate change, and in present lecture we learn the climate zone of the world. Students, first of all, ये आपको MCQ आ सकता है कि how many climate zone are present on the क्लाइमेट जोन ऑन अर्थ. आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर कि जो अर्थ पे कितने क्लाइमेट जोन हैं. तो वो देखिए, मैंने फाइव के ऊपर लिखा हुआ है MCQs. तो आपने ये वाला आंसर लगाना है कि जो वर्ल्ड में जो अर्थ पे मेन क्लाइमेट जोन है वो पाँच है. अब उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा जी, पाँच तो हैं, वो कौन से पाँच हैं? तो आपने उनके नाम बताने हैं. सबसे पहले ये देखें, पहले नंबर पर आपके पास आ गया ट्रॉपिकल, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया ड्राई, तीसरे नंबर पे आपके पास आ गया टेम्परेट, चौथे नंबर पे आपके पास आ गया कॉन्टिनेंटल, और पांचवें पे आपके पास आ गया पोलर. आज हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, बाकी तीन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल जोन. स्टूडेंट, ट्रॉपिकल जोन एक ऐसा जोन होता है जिस पर जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो डायरेक्ट पड़ती है, उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं. और ऑब्वियसली बात है कि जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो उसका जो वो किस तरह का जोन होगा, हॉट होगा एंड ह्यूमिड जोन होगा. हॉट कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने के साथ साथ उसकी जो आबोहवा है, ह्यूमिड कहते हैं नमी को, उसकी आबोहवा में नमी पाई जाएगी. दूसरे नंबर पर इस जोन के, ट्रॉपिकल जोन की खासियत ये है कि इसका जो टम्परेचर है, इसका जो दर्जा हरारत है, वो 64 फॉरेनहाइट होता है, जो कि 18 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है. तीसरे नंबर पर यहाँ पे मोर देन 59 इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन पर ईयर. स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. प्रेसिपिटेशन कहते हैं बारिश को. मैंने लिख दिया कि वहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन में एक साल में मोर देन 59 इंचेस प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है. अब इसकी एग्जांपल स्टूडेंट देखनी है कि ट्रॉपिकल जोन दुनिया में कहाँ, कौन से एरिया को ट्रॉपिकल जोन कहा जा रहा है. स्टूडेंट, ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने लगी हूँ, ये आपकी बुक पे नहीं है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है. ये देखें, ये एग्जाम्पल देखें, ये ट्रॉपिकल रीजन की है. ये जो वर्ल्ड में, दुनिया में अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया एक जगह का नाम है. ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन है, और भी बहुत है लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने दो के एग्जांपल लिखे हैं. साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हम आते हैं, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं. इसके बाद अफ्रीका, आपने देखा होगा कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो भी ट्रॉपिकल रीजन में आ गया. और पाकिस्तान में कौन ट्रॉपिकल रीजन, कौन सी एरिया में है, वो है सिंध. पाकिस्तान का ट्रॉपिकल रीजन है सिंध. स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी यकीनन ट्रॉपिकल रीजन के बारे में. दूसरे नंबर पे हम आएंगे, दूसरा जो जोन है वो है ड्राई जोन. ये देखें, ड्राई जोन के बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है लैक ऑफ वाटर. लैक ऑफ वाटर, ड्राई के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि पानी की कमी. अब स्टूडेंट, देयर क्लाइमेट, इसकी इस रीजन की क्या खासियत है आपने वो देखनी है. देयर क्लाइमेट इज़ सो ड्राई, कि इस रीजन का, इस जोन का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है. बिकॉज मॉइस्चर कहते हैं नमी को. मॉइस्चराइज़र आजकल यूज़ करते होंगे आप हाथों पर, पैरों के लिए. मॉइस्चराइज़र कहते हैं जो आपको ना नमी दे. इज़ रैपिडली इवेपोरेटेड, कह रहा है कि इस ड्राई जोन का, इस ड्राई रीजन का क्लाइमेट इतना ड्राई इसलिए होता है क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र है, जो नमी है, वो रैपिडली यानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है, यानी जल्दी से हवा में उड़ जाती है, और वेरी लिटल प्रेसिपिटेशन होती है इस एरिया में. प्रेसिपिटेशन स्टूडेंट कहते हैं बारिश को. मैं आपको बता दी है कि इस एरिया में जो बारिश है वो बहुत कम होती है, और यहाँ जो नमी होती है ना, वो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ड्राई. अब इसकी एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई हैं, एक पाकिस्तान की और एक वर्ल्ड की. जो पाकिस्तान में ड्राई रीजन है ना, वो है बलूचिस्तान. आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान की आबो हवा जो है ना, बहुत ज़्यादा खुश्क होती है.
इसीलिए वहाँ जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं बलूचिस्तान में ज़्यादातर बनते हैं ना, इसकी वजह यही है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। और वर्ल्ड का जो मैंने लिखा हुआ है अटकैमा, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस है, दुनिया का खुश्क तरीन जो है ना जगह वो ये है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। स्टूडेंट ये जो मैंने एग्जांपल लिखे है ना, ये देखें, ये ट्रॉपिकल की और ये ड्राई की, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपने याद करनी है, आपने इसे नोट डाउन कर लेना। आज हमने दो पढ़े हैं आज हमने, देखें जोन ट्रॉपिकल और ड्राई, और हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा है साथ और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। कल जब हम तीन पढ़ेंगे आगे मजीद तो हमारा तीन मजीद जोन पढ़ेंगे तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने जब पेपर में एमसीक्यूज आएगा कि दुनिया में या ज़मीन पे मेन कितने क्लाइमेट के जोन हैं तो आपने 5 लगाने हैं, और जब पूछेगा कि उनके नाम क्या हैं तो आपने ये नाम लिखे हैं। वो देखिए मैंने कॉर्नर में शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने स्टूडेंट भूलना नहीं है, फिर पेपर में ये नहीं कहना कि हमें तो ये आता नहीं है, मैंने सारा कुछ आपको बताया और डिटेल से बताया है। आपने इसे अच्छी तरह से इस लेक्चर को पढ़ना है, जो भी आपको समझना आए वो स्कूल में आगे डिस्कस हो जाएगी, अच्छी तरह आपने याद करना है इसे, अच्छे से देखना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, आई होप सो आपको समझ आई होगी।